असीम, ये दिल्ली की ऐसी जगह है और ये पार्किंग देख रहे हैं कितनी अच्छी पार्किंग बनाई है लोगों ने, कूड़ा घर भी बनाया है अच्छे से, यहीं सब चीज़ें गंदगी कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली दिल्ली की खूबसूरत इमारतें, जब ये देखिए ऊपर गुम्बद भी है, देख रहा हूँ हाँ किसा? जिसमें बाउंड्री नहीं है। ये तो एक अच्छी चीज़ है, और नहीं ये तो एक अच्छी चीज़ है ना, सीधा नहीं गया, ये देखिए, नहीं ये भी क्या है ये, अच्छा मुझे ये बोर्ड जो आज यहाँ लगा हुआ है इसको पढ़ के थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है, बुरा मत मानना। प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स, ये कहाँ से प्रोटेक्टेड है, कहाँ है ये प्रोटेक्टेड? अरे यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए लोगों, और मैं सरकार को कह रहा हूँ जो बेहूदापन है को पार कर चुकी है। तो ये जगह कहाँ पे पता है आपको? ये मस्जिद, हाँ जी जी ये मस्जिद मोड़ पड़ता है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पार्क भी है सामने। ये मीनार है देखिए चारों तरफ, पेड़ भी आने लगे हैं अब तो। अच्छा एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी मुझे, पता है क्या जी? कि ये जो बोर्ड ये जो लगाए हैं जैसे ध्यान दिया, और ये अच्छा एक चीज़ और है ख़ास बात, बियर की बोतलें देख लो भाई, हर इमारतों पे ये हो रही है केयर, और सर वो बहुत सुंदर गेट है यार वसीम, लाजवाब। मुझे एक चीज़ बताइए वसीम, ये कितना अच्छा था, ये देखिए ये वसीम मैं वो नहीं कह रहा हूँ, एक चीज़ इसको स्टॉप करता हूँ, उनको मैंने चिट्ठी भी लगाई थी कि और किलों में जो लाइट लगी हुई है इसमें क्यों नहीं लग रही, इसको मैं आज ये ट्वीट भी करूँगा मैं। हाँ और आप मुझे अपना तो सही है, तो बिल्कुल देखभाल नहीं है, कोई लाइट नहीं है बिल्कुल, भाई जो कह रहे हैं क्या नाम था भाई आपका? मेरा नाम प्रेम दयाल है। प्रेम दयाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये यहीं के एसोसिएशन से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ तो कोई ध्यान नहीं दिया गया, इनकी जो शिकायत है वो नोटिस की जाए। हाँ और इसको मैं कह रहा हूँ ऊपर तक ले संज्ञान में, देखिए अच्छा यहाँ इसलिए मेंटेन भी नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं आता, और अगर यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट का जो रखा हुआ है देख रहे हो आप जी, ये सामने देखो सुन टाइप की बनी हुई है, देखिए इस पे हाँ जी चल रहा है, अब यहाँ प्रसाद भी चढ़ने लग गया, देखिए सुन टाइप है बिल्कुल, ये कह रहे हैं देखिए, अरे जो है प्रसाद पूजा भी होने लगी है बहुत अच्छे। तो ये 1500 ईस्वी में थी भाई ये, देखिए उधर से हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आपका परिवार तो यहीं से है, हमारा परिवार यहीं है कम से कम 60-70 साल से, ये वो भी इस एज में, मेरी मदर है 90 साल, दादी तो बहुत, दादी माँ दिखी थी अभी, वो आपकी मम्मी है, वो मेरी सिस्टर है, ये सिस्टर हाँ, तो और बड़ी होगी मदर एक्स्ट्रा होगी, अभी 29 सितंबर को हुआ, तो इसको ऊपर जाने का रास्ता था, ऊपर जाने का यहाँ से है राइट में, यहाँ से आइए ये भी है इधर से बंद है ये, ये तो बिल्कुल खुले में एकदम, मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा आपके यहाँ से निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद अनिल शर्मा जी हैं। अच्छा अभिषेक दत्त का एरिया नहीं है? नहीं नहीं नहीं, और सोमनाथ भारती एमएलए हैं, सोमनाथ भारती जी आम आदमी। हाँ वसीम आइए, मैंने चार पाँच बार चिट्ठी लगाई है देखिए ये बस ये मैं बोलना चाह रहा था बेसिकली, आज मैंने वहाँ भी देखा, तो यहाँ जो इमारतों के लिए दूरी रखी गई थी, बताइए कौन सा नियम पालन हो रहा है?
वहाँ तो खुद बीजेपी के ही निगम पार्षद ने जो कब्जा किया हुआ है, मतलब उसके साथ आज आज ही का है वाकया। यहाँ क्या है, बिल्कुल टच है जी, और वो आप देखोगे कुछ इस मस्जिद की दीवार पे भी इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है। और ज्ञात हुआ है इसके लिए बात, ये सबको आवाज़ उठानी चाहिए। मैं एक वीक अलग से इसका वो करेंगे, बनाइए इसको, चले फिर यदि अगर यहाँ कोई मुंडन अगर आता ना, जैसे अभी मेरा कुछ काम था, मैं आपके तुरंत पीछे आ गया, मेरे जैसा भाई कोई और भी आ जाएगा और साहब बोल देंगे नमाज नमाज का क्या मतलब है यहाँ, ये नमाज के लिए तो भी मस्जिद वो बनी पड़ी है, नमाज है यहाँ, नमाज नहीं पढ़ने करते हम, और हम अच्छा नमाज पढ़ने आते हैं यहाँ लोग क्या, जैसे कई बार आ जाते हैं जी, तो नमाज पढ़ने भी आते, मतलब हर तरह का ये धर्म के नाम पे एक ड्रामा करने आते हैं लोग, ये पहले पढ़ते थे पहले, ये मना कर देते हैं हम लोग, क्यों पढ़ेगा, तो यहाँ हिंदुओं का इस पर पूरा अच्छे से कब्जा है। अच्छा, और आज तो कोई है नहीं, कम से कम 10-15 लड़के हमेशा होते हैं यहाँ, होते हैं अंदर रहते हैं, बिल्कुल तैनात, बिल्कुल इसको देखना, यहाँ से करना पहले, कितनी हालत खराब है, और ये निगम पार्षद के अंदर में कितनी बार हमने चिट्ठी लगाई है, कोई सुनवाई नहीं है, जाटव समाज सबसे ज्यादा है, सैनी समाज की संख्या इतनी नहीं है, लेकिन जाटव समाज ज्यादा है, तो हमारे पार्टी के लोग हैं ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, हम है पता किसके साथ ही, आजाद के भाई, ये कुआं है क्या, पहले बताते हैं हमारे तालाब था, और बंद हो गया देखो, कौन सी वो इधर से चढ़ के आप जाओगे ना, ये जो ब्रिज बना हुआ है इस दीवार के पीछे भी मस्जिद की बनी है। अच्छा, लकड़ी का देखना गेट, देखिए ऐसा गेट मिलेगा कहीं, आज भी नहीं होगी शायद ये लकड़ी मिलने वाली है, देखना, तो ये है मोट की मस्जिद, क्या जी मोट की मस्जिद का देख और रख रखाव के लिए बात, कितने गंदे चित्र क्या कहे लोग, अपने देश के लोग, ये टॉयलेट बनाया हुआ है, यहाँ से इतनी बदबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, चलता हूँ एक दिन आता हूँ, ये सब चीज़ें बात करती हैं, आ जाओ।